फ्रेंड फ्रेडी बार आप सभी का स्वागत है आज हम गवर्नमेंट इम्प्लॉइज के लिए डीए के बारे में बात करेंगे एक्सपेक्टेड डीए रेट गवर्नमेंट का जुलाई 22 से क्या हो सकता है इसके पहले जो उनका प्रेजेंट रेट है वो फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी टू से एग्जिस्टिंग रेट चल रहा है जो थर्टी फोर परसेंट है फ्रेंड्स सीपीआई डिक्लेरेशन के बाद ही इस पर हम कैलकुलेशन करते हैं और जो मई का सीपीआई तीस जिन को डिक्लेयर हो चुका है और जो जुलाई का जो जून का सीपीआई डिक्लेयर होना है वो थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट जुलाई को प्रेस रिलीज के माध्यम से आएगा अभी जो पिछला मई में डिक्लेयर हुआ है वो वन ट्वेंटी नाइन है और अगर हम प्रिज्यूम कर लें कि जून के महीने का जो सी पी आई है वो अगर वन थर्टी होता है तो उसके आधार पे हमारा एक्सपेक्टेड डीए क्या होगा हालांकि जो कैलकुलेशन सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट का होता है उसमें अगर ये सी जून महीने का 126 से लेकर 135 पॉइंट के बीच में भी आता है तो जो नेट इंक्रीज होगा वो लगभग वो उतना ही होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेशन का क्लि क्लिपिंग्स मैं आपको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ उसके हिसाब से इस्टीमेटेड जो विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी टू है वो थर्टी एट परसेंट होगा और थर्टी एट परसेंट होगा एग्जिस्टिंग थर्टी फोर परसेंट है इसके मतलब डी ए रेट में नेट इंक्रीज जो होगा वो फोर परसेंट का होगा और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट इसको सेप्टेम्बर ट्वेंटी टू के माह में इसको डिक्लेरेशन करती है कि फोर ये परसेंट ये का हाइक होगा और आपको बढ़ा हुआ डीए यानी कि जो परसेंट बढ़ा हुआ डीए होगा वो अक्टूबर माह की सैलरी से आपको दिए होगा सो so, जिस हिसाब से आपका सीपीआई पिछले ग्यारह पिछले ग्यारह महीने का पता है बारहवा महीना जून का होना है और उसपे आधार पर आपका कैलकुलेशन है और इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड डीए इंक्रीज फोर परसेंट का हो रहा है सो so, फ्रेंड्स आप एक्सपेक्ट करिए उम्मीद रखिए कि अक्टूबर माह की सैलरी में आपको बढ़ा हुआ डी ए फोर परसेंट के इंक्रीज़ के साथ आपको मिलेगा थैंक यू फ्रेंड्स नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं धन्यवाद